हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेडिसिना 101। यहाँ पे मैं एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने वाली हूँ जिससे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप सबके दिलो दिमाग में बैठने वाली है। मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एनसीईआरटी की लाइंस बोलूँगी जिनसे हमारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसलिए अब ध्यान से इस पॉडकास्ट को सुनिएगा और इसको बार बार सुनिएगा जिससे ये लाइंस आपके दिमाग में बैठ जाएँ। ठीक है, तो नीट तो हम फोड़ने वाले हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, सबसे पहले मैंने ये छोटा सा चैप्टर चूज़ किया है जहाँ से हमारी ग्रुप वन स्टार्ट होता है। ठीक है, तो बिना समय गवाए लेट्स गेट स्टार्टेड। एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले पाए जाते हैं, मतलब सबसे पहला ब्लॉक जो है वो होता है हमारे पास में एस ब्लॉक। ठीक है, अब इस ब्लॉक को हम एस ब्लॉक ही क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हमारे एस ऑर्बिटल में पाए जाते हैं। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है जो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं जिनकी हम शेयरिंग कर सकते हैं या फिर लेन देन कर सकते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वो हमारे एस ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं। ओके, सो सबसे पहले ग्रुप आता है ग्रुप नंबर वन। ग्रुप नंबर वन में हमारे पास एलिमेंट्स आते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबीडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम। इसकी निमोनिक है लीना की रूबी से फ्रेंडशिप। ठीक है, फ्रांशियम हमें पता है कि रेडियो एक्टिव है तो उसकी ज़्यादा बात नहीं करेंगे, और इन एलिमेंट्स को हम एल्कली मेटल्स कहते हैं। अब एल्कली मेटल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके जो हाइड्रोक्साइड्स हैं वो जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन नेचर का सॉल्यूशन बनाते हैं। ओके, अब जो नेक्स्ट ग्रुप है हमारे पास इसमें वो है ग्रुप टू। ग्रुप टू का नाम है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इसमें एलिमेंट्स पाए जाते हैं बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। ये निमोनिक तो आप सबको पता ही होगी, बेरीलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम एंड रेडियम। अब जो बेरीलियम है सबसे पहले आया, पर उसी को छोड़ के बाकी के सबका नाम है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। याद रखना, बेरीलियम एल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं है क्योंकि वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है, एल्कलाइन नहीं। ओके, बेरीलियम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाता है, एल्कलाइन नहीं। बाकी के सबको हम एल्कलाइन अर्थ मेटल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके जो ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स हैं वो हमें अर्थ की क्रस्ट में से मिलते हैं और वो स्ट्रांगली एल्कलाइन इन नेचर होते हैं। ओके, अब हम इनकी आगे की थोड़े एलिमेंट्स की थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। सोडियम और पोटेशियम जो हैं वो बहुत अबंडेंट होते हैं उस ग्रुप वन में से। ओके, लिथियम, रूबीडियम, सीजियम जो हैं उनकी लोअर अबंडेंसेज होती हैं। फ्रांशियम इज़ हाईली रेडियो एक्टिव, ये हाईली रेडियो एक्टिव होता है और इसका जो लॉन्गेस्ट लिव्ड आइसोटोप है यानी कि FR223, उसकी भी हाफ लाइफ सिर्फ और सिर्फ 21 मिनट्स है। किसकी? FR223 जो कि इसका लॉन्गेस्ट लिव्ड आइसोटोप है, उसकी भी हाफ लाइफ जो है वो सिर्फ 21 मिनट्स है। ठीक है, अब एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात करते हैं। उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम, कौन? कैल्शियम और मैग्नीशियम फिफ्थ और सिक्स्थ पोजीशन पे ऑन द बेसिस ऑफ एबंडेंस लाए करते हैं। ओके, कैल्शियम फिफ्थ, मैग्नीशियम सिक्स्थ। ठीक है, उसके बाद हमारे पास बेरीलियम जो है वो रेयर होता है, मतलब बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, और रेडियम जो है वो तो बहुत ही कम होता है, और उसमें रेडियम जो है वो इग्नियस रॉक्स में 10^-10% ही पाया जाता है। अब एस ब्लॉक की हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस तो पता ही हैं कि नोबल गैस NS1 फॉर एल्कली मेटल्स एंड नोबल गैस NS2 फॉर एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब हम इनकी बात करते हैं डायगनल रिलेशनशिप के बारे में। ठीक है, डायगनल रिलेशनशिप क्या होता है? जब एक एलिमेंट का एक ग्रुप का जो एलिमेंट है वो अपने नेक्स्ट ग्रुप के, मतलब डायगनली अपोजिट एलिमेंट जो होता है उससे रिलेटेबल हो। ठीक है, तो जैसे कि लिथियम जो है वो सिमिलैरिटी शो करता है हमारी मैग्नीशियम के साथ, और बेरीलियम शो करता है एलुमिनियम के साथ। लिथियम, मैग्नीशियम, बेरीलियम और एलुमिनियम। ठीक है, अब डायगनल रिलेशनशिप हमारे पास बनते क्यों है, मतलब किस वजह से आती है इनमें सिमिलैरिटीज़ इन एलिमेंट्स में, वो आती है इनके आयनिक साइजेस की वजह से। लिथियम और मैग्नीशियम, मतलब इनकी सिमिलैरिटी होती है आयनिक साइजेस में। लिथियम और मैग्नीशियम के तो जो आयनिक साइजेस हैं वो छोटे छोटे से साइजेस हैं, इसीलिए उनमें सिमिलैरिटी आ जाती है।
और एक और वजह होती है इनके डायगनल रिलेशनशिप के लिए, वो है चार्ज अपॉन रेडियस रेशियो, जिसको हम पोलैरिटी भी कहते हैं। ठीक है, चार्ज अपॉन रेडियस, ना कि चार्ज अपॉन मास रेशियो, चार्ज अपॉन रेडियस रेशियो को हम पोलैरिटी कहते हैं। और वो जो है उसकी वजह से और आयनिक साइजेस की वजह से हमारे पास डायगनल रिलेशनशिप्स की उत्पत्ति होती है। ओके, आज मैं कुछ ज़्यादा इंग्लिश हिंदी मार रही हूँ। ठीक है, वैसे हिंदी हमारी मातृभाषा है। अच्छा, तो उसके बाद में मोनोवेलेंट सोडियम एंड पोटेशियम और डाईवेलेंट मैग्नीशियम और कैल्शियम जो हैं वो हमारे बायोलॉजिकल फ्लूड्स में पाए जाते हैं। कौन कौन? सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। मोनोवेलेंट क्या होता है? जिसके ऊपर चार्ज एक ही हो, मतलब Na प्लस। ठीक है, और डाईवेलेंट होता है जिसके ऊपर प्लस टू का चार्ज हो, मतलब मैग्नीशियम Mg प्लस टू होता है ना, वैसे। ठीक है, अच्छा तो अब हम बात करते हैं ग्रुप वन एलिमेंट्स की, जिनको हम क्या कहते हैं, एल्कली मेटल्स। ठीक है, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो होती है नोबल गैस NS1। ठीक है, इनके जो एस ऑर्बिटल है उसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, नोबल गैस NS1 होती है इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब जो ये जो सबसे ज़्यादा मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो इनका लूजली हेल्ड होता है। ठीक है, वो लूजली हेल्ड ऐसे इलेक्ट्रॉन होता है इनके आउटर मोस्ट वैलेंस शेल में। ठीक है, जिसकी वजह से ये बनाते हैं हमारे पास में मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल्स। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल्स इन्हीं के बनते हैं, क्योंकि एक तो इनका साइज़ बहुत बड़ा होता है अपने पीरियड में, और दूसरी बात इनका जो एस इलेक्ट्रॉन है वो लूजली हेल्ड होता है। ठीक है, ये M प्लस आयन्स बनाते हैं, मोनोवेलेंट M प्लस आयन्स बनाते हैं ग्रुप वन के एलिमेंट्स। ओके, अब हम बात करेंगे आयनिक और एटॉमिक रेडियाई की, नीचे जाते हुए वो दोनों इंक्रीज़ करती हैं। और M प्लस आयन, जैसे मैंने बताया, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने की वजह से M प्लस आयन जो बनते हैं वो इनके पेरेंट एटम से स्मॉलर होते हैं। ओके, अब बात करते हैं हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी की। आयोनाइजेशन एंथैल्पी इनकी नीचे जाते हुए डिक्रीज़ करती है, क्योंकि साइज़ जो है वो इंक्रीज़ करता है। ठीक है, तो सीजियम की सबसे कम होगी, लिथियम की सबसे ज़्यादा होगी। अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक बात बता दूं, जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो ग्रुप वन की कम होती है ग्रुप टू से। ठीक है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप वन की ग्रुप टू से कम होती है, पर सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप वन की ज़्यादा होती है ग्रुप टू से। ठीक है, ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी बेसिस पे हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं। ओके, अब बात करेंगे हम हाइड्रेशन एंथैल्पी की। हाइड्रेशन एंथैल्पी, मैं पहले बता दूं कि हाइड्रेशन एंथैल्पी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है साइज ऑफ कैटायन के। किसके? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वो साइज ऑफ कैटायन के, हाइड्रेशन एंथैल्पी। ठीक है, अब जो सबसे छोटा कैटायन होगा उसको तो वाटर मॉलिक्यूल्स बड़े अच्छे से जकड़ लेंगे, मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स बोलेंगे भाई साहब तू हमारे मतलब जगह पे आया है तो हम तो तुझे छोड़ेंगे नहीं, हम तुझे जकड़ लेंगे और तुझे किडनैप करके रख देंगे यहाँ पे। जैसे लिथियम हो गया, वो बेचारा छुटकू सा मतलब असहाय बेचारा ऐसे ही जाता है पानी के अंदर, और पानी जो है उसको ऐसे जकड़ लेता है जैसे पता नहीं क्या ही गुनाह कर दिया है उसने आकर। पर अब अगर वहीं क्या बोलते हैं सीजियम आए, मतलब वो तो है ही इतना भारी भड़कम, जैसे तुम्हारे शहर में एक मतलब बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर आ जाए तो तुम तो उसके नीचे ही लगोगे ना फिर, मतलब अगर तुम मेरे जैसे नहीं हो तो फिर तो नीचे ही लगना पड़ेगा, मतलब फिर तो नीचे ना लगना पड़े अगर तुम मेरे जैसे नहीं हो तो, बट अगर मैं हूँ तो मैं नीचे ही लगूँगी। ठीक है, सीजियम जो है वो बहुत बड़ा है, मतलब मेरे कहने का मतलब है जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है वो साइज़ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जो छोटा होगा उसको वाटर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा जल्दी जकड़ेंगे, जो बड़ा होगा उसको वाटर मॉलिक्यूल्स बोलेंगे मतलब भाई साहब आप रहने ही दो, आप ही आ जाओ, आप ही राज कर लो हमारे शहर में भी। ठीक है, तो हाइड्रेशन एंथैल्पीज ऑफ एल्कली मेटल्स डिक्रीज विद इंक्रीजिंग आयनिक साइजेस, मतलब नीचे जाते हुए हाइड्रेशन एंथैल्पी हमारे पास में डिक्रीज़ करती है। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? Li प्लस की सबसे ज़्यादा, देन Na प्लस, देन K प्लस, देन Rb प्लस, देन Cs प्लस। ठीक है, Li हैज़ मैक्सिमम डिग्री ऑफ हाइड्रेशन, और इसी वजह से इसके लिथियम जो साल्ट्स हैं, लिथियम सॉल्ट्स,
वो क्या होते हैं, मोस्टली हाइड्रेटेड फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। हाइड्रेटेड फॉर्म यानी कि उनके पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, वो जो डॉट करके वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं लिखे होते उसको हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसकी एग्जांपल आ जाएगी LiCl.2H2O, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं इनकी हैं, ये सिल्वरी वाइट होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, लाइट मेटल्स होते हैं। उसके बाद में लार्ज इनका साइज़ होता है, बहुत बड़ा साइज़ होता है, ठीक है। अपने पीरियड में तो ये सबसे बड़े होते हैं क्योंकि सबसे पहले पाए जाते हैं। और उसके बाद में लो डेंसिटी होती है इनकी, पर डेंसिटी जो है वो नीचे जाते हुए इंक्रीज़ करती है। लो डेंसिटी होती है पर डेंसिटी नीचे जाते हुए इंक्रीज़ करती है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है वो इंक्रीज़ होता जाता है नीचे नीचे, ठीक है। उसके बाद अगर डेंसिटी नीचे जाते हुए इंक्रीज़ भी करती है, फिर भी पोटेशियम इतना ढीठ है कि उसको फिर भी सोडियम से लाइटर होना है, ठीक है। पोटेशियम की डेंसिटी जो है वो सोडियम से कम होती है, इसलिए अब इसने हमारे लिए एक और चीज़ ला दी याद करने को। पोटेशियम जो है वो सोडियम से कम उसकी डेंसिटी होती है, बट फिर भी नीचे जाते हुए डेंसिटी इंक्रीज़ करती है, ठीक है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं एल्कली मेटल्स के, वो लो होते हैं और वीक मेटलिक बॉन्डिंग होती है इनके अंदर। अब ये जो हैं हमारे पास, इनके पास लूजली हेल्ड एस इलेक्ट्रॉन था, मैंने बताया था ना, तो उसी वजह से ये हमारे पास में कलर्स शो करते हैं, ठीक है। मतलब इनका इलेक्ट्रॉन्स बहुत जल्दी ऐसे मतलब वो हो जाता है, लाइक गुस्सा छोड़ देता है, मतलब गुस्सा कर देता है, मतलब उसको थोड़े से चिंगारी लगाओ तो उसको ऐसे आग लगती है जैसे पता नहीं क्या ही हो गया, मतलब फिर बहुत ज़्यादा उसका पारा भी चढ़ता है और बहुत ही जल्दी नीचे भी आ जाए। तो जब वो नीचे आता है तब वो कलर शो करता है, ठीक है, विजिबल रीजन में। और उसी को हम कहते हैं कि मतलब एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन व्हेन कम्स बैक टू द ग्राउंड स्टेट देयर इज एमिशन ऑफ रेडिएशन इन द विजिबल रीजन। ये मैंने NCERT की लाइन बोली, ठीक है। Li का मतलब लिथियम का क्रिम्सन रेड कलर होता है, सोडियम का येलो कलर होता है, पोटेशियम का वॉयलेट कलर होता है, रुबिडियम का रेड वॉयलेट कलर होता है और सीजियम का ब्लू कलर होता है, ठीक है। और ये कलर्स हम उनके कैसे पता लगाते हैं, फ्लेम फोटोमेट्री और एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी से, ओके। उसके बाद इसी प्रॉपर्टी की वजह से, मतलब कलर शो करने वाली प्रॉपर्टी की वजह से, सीजियम और पोटेशियम, कौन कौन, सीजियम और पोटेशियम जो हैं वो इलेक्ट्रोड्स की तरह यूज़ होते हैं फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स में, ओके। ये आपको ऐसे मतलब क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद हम आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे, ओके। ग्रुप वन एलिमेंट्स जो हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं, उनका लार्ज साइज़ होता है और लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वजह से वो हाईली रिएक्टिव होते जाते हैं, और इनकी रिएक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ करती है डाउन द ग्रुप, क्योंकि डाउन द ग्रुप जो है लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती जाएगी और लार्ज साइज़ भी होता जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम आते हैं रिएक्टिविटी टूवर्ड्स एयर में। एल्कली मेटल्स क्या करते हैं, ड्राई एयर के साथ टार्निश होते हैं, देन मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। लिथियम जो है वो मोनोक्साइड बनाता है, सोडियम जो है वो पेरोक्साइड बनाता है मोस्टली, और अदर एलिमेंट्स यानी कि के, RB और CS वो बनाते हैं हमारे पास में सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड में जो O2- आयन है वो हमारे पास में स्टेबल होता है सिर्फ लार्ज कैटायन के साथ, तभी तो नीचे वाले बनाते हैं, ठीक है। नीचे जाते हुए सुपर ऑक्साइड की स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है। तो Li बनाता है हमारे पास में सिंपल ऑक्साइड, सोडियम बनाता है पेरोक्साइड, और बाकी के तीन बनाते हैं सुपर ऑक्साइड, ठीक है। अब इन सब ऑक्साइड्स में जो है, सुपर ऑक्साइड, पेरोक्साइड और मोनोक्साइड जो है, इन तीनों में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एल्कली मेटल जो है वो +1 ही रहती है, ठीक है। लिथियम जो होता है ना, मतलब छोटू सा है वो, और छोटा पैकेट बड़ा दिमाग का काम करता है वो, ठीक है, मतलब बहुत छोटा है वो, पर उसको तो मतलब ऐसे फैलानी है ना अपनी, तो वो क्या करता है कि मतलब जब ये लोग रिएक्ट कर रहे होते हैं एटमॉस्फेयर के साथ तो वो ज़्यादा ही रिएक्ट कर जाता है और नाइट्रोजन के साथ भी बॉन्ड बना लेता है, और डायरेक्टली वो नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, Li3N नाइट्राइड बनाता है, लिथियम नाइट्राइड, Li3 then N, ओके, Li3N बनाता है वो लिथियम नाइट्राइड। और ये जो एल्कली मेटल्स हैं, जैसे मैंने बताया, बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव हैं, इसलिए इनको हम केरोसिन ऑयल में स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे रिएक्टिविटी टूवर्ड्स वाटर की। जब हम इन एल्कली मेटल्स को वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वो हमारे पास में हाइड्रोक्साइड्स की फॉर्मेशन करता है और डाइहाइड्रोजन भी बाय प्रोडक्ट में निकल जाता है, ठीक है। तो इसकी हम जर्नलाइज रिएक्शन देख लेते हैं। 2M + 2H2O gives 2MOH
प्लस एच टू, ठीक है। एम ओ एच क्या है हमारे पास में, मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक है। एम जो है वो कोई भी अल्कली मेटल ले लो आप, ठीक है। ऑल दो लीथियम हैज़ मोस्ट नेगेटिव ई नॉट वैल्यू, मतलब लीथियम की बहुत ज़्यादा नेगेटिव होती है ई नॉट वैल्यू, पर फिर भी ये लेस वाइग्रसली रिएक्ट करता है वाटर के साथ कंपेयर टू सोडियम, मतलब सोडियम से बहुत कम वाइग्रसली रिएक्ट करता है ये वाटर के साथ, जबकि इसको ज़्यादा करना चाहिए था। जो सोडियम जो है वो लीस्ट नेगेटिव होता है इलेक्ट्रोड वैल्यू में, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है हमारे पास में, जो लीथियम जो है उसकी ई नॉट वैल्यू सबसे ज़्यादा नेगेटिव होती है, मतलब मोस्ट नेगेटिव ई नॉट वैल्यू होती है उसकी, इसी वजह से वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। ऑल दो वो इतना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, बट स्टिल वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, बिकॉज ऑफ हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी। ओके, मैंने बताया था ना हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है इसकी। उसके बाद जो बाकी के मेटल्स हैं जैसे के, आर, बी और सी एस, वो हमारे पास में बाकी के प्रोटॉन डोनर्स के साथ भी रिएक्ट करते हैं, जैसे कि हमारे पास आगे एल्कोहल्स, गैशियस अमोनिया, एल्काइंस, ठीक है। ये तीनों क्या बोले मैंने, प्रोटॉन डोनर्स हैं ये, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं रिएक्टिविटी टूवर्ड्स डाईहाइड्रोजन पे, डाईहाइड्रोजन यानी कि एच टू पे। अब एच टू के साथ ये सब के सब 673 केल्विन पे रिएक्ट करते हैं, पर लिथियम के ठहरे नखरे, वो क्या करता है, वो बोलता है कि नहीं छोटे टेम्परेचर पे अपन काम नहीं करेंगे, वो उसको चाहिए होता है 1073 केल्विन का टेम्परेचर, ठीक है, क्योंकि छोटा है ना बेचारा, तो मतलब उसको थोड़ा समझाना पड़ता है, ठीक है। तो उसको 1073 केल्विन का टेम्परेचर चाहिए होता है हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करने के लिए, किसके साथ, हाइड्रोजन, डाईहाइड्रोजन एच टू के साथ, ठीक है। एल्कली मेटल हाइड्राइड्स आर आयनिक सॉलिड्स, ये आयनिक सॉलिड्स होते हैं और हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं इनके, ठीक है। और मैं इसका वो बता दूँ रिएक्शन, 2m plus H2 gives 2m plus, मतलब MH gives 2MH, MH में अगर हम उसको ध्यान से देखें तो M plus की फॉर्म में होगा और H minus होगा यहाँ पे, H plus नहीं, ठीक है। H minus को हम क्या कहते हैं, हाइड्राइड, तो ये क्या बन गया, मेटल हाइड्राइड, ठीक है। अब हम बात करेंगे रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हेलोजन्स की, हेलोजन्स के साथ इनका ऑर्डर होता है LI का सबसे ज़्यादा, देन NA, देन K, देन RB, देन CS, मतलब नीचे जाते हुए हेलाइड्स के साथ इनकी रिएक्टिविटी डिक्रीज़ करती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं मतलब इसके बारे में ही, हेलोजन्स के साथ ये वाइग्रसली रिएक्ट करते हैं और आयनिक हेलाइड्स बनाते हैं, कौन से, आयनिक हेलाइड्स बनाते हैं M plus X minus, ठीक है। पर लिथियम उसके तो मतलब हर जगह ही नखरे है ना, लिथियम हैलाइड्स जो होते हैं वो कोवेलेंट नेचर के होते हैं, क्यों, क्योंकि लिथियम जो है वो छोटा है और अकॉर्डिंग टू फिजांस रूल मतलब कैटायन छोटा होना चाहिए और एनायन जो है वो बड़ा होना चाहिए, जिसकी वजह से पोलराइजेशन इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से कोवेलेंसी इंक्रीज होगी, ठीक है, और आयनिक नेचर उसकी डिक्रीज होती जाएगी, इसीलिए लिथियम हैलाइड्स जो हैं वो कोवेलेंट नेचर के होते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ हाई पोलराइजेशन कैपेबिलिटी ऑफ लिथियम आयन। ओके, तो इसी वजह से हमारा लिथियम आयोडाइड जो है वो सबसे ज़्यादा कोवेलेंट होना चाहिए, क्योंकि आयोडीन उन सब में सबसे बड़ा है और लिथियम इन सब में सबसे छोटू है, तो इसकी वजह से वो मोस्ट कोवेलेंट कंपाउंड होता है नेचर के अंदर। ये लाइन है एनसीईआरटी की, ओके, ये ध्यान में रखना। उसके बाद रिड्यूसिंग नेचर कि हम बात करें तो एल्कली मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स, लिथियम बीइंग द मोस्ट एंड सोडियम बीइंग द लीस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, की एनसीईआरटी की लाइन। ओके, अब लिथियम हैज़ द हाईएस्ट हाइड्रेशन एंथैल्पी, इसी की वजह से उसकी जो क्या कहते हैं रिड्यूसिंग पावर है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। अब बात करेंगे सॉल्यूशंस इन लिक्विड अमोनिया में, लिक्विड अमोनिया के साथ जब ये रिएक्ट करता है तो ये बनाते हैं डीप ब्लू कलर के सॉल्यूशंस, ठीक है, जो कि कंडक्टिंग होते हैं नेचर में। अब मैं इसकी रिएक्शन बोल दूँ, M plus X plus Y NH3 gives MNH3X plus ENH3Y minus। अब यहाँ पे क्या क्या बना, कैटायन क्या बना MNH3X plus और एनायन क्या बना ENH3Y प्लस ई क्या है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये ब्लू कलर का जो सॉल्यूशन है ये किस वजह से बनता है, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन जो मैंने रिएक्शन में बोले एनायन, उनकी वजह से हमारा ब्लू कलर आ जाता है सॉल्यूशन के अंदर। सॉल्यूशन जो है अब इतने सारे इलेक्ट्रॉन फ्री बैठे हुए हैं तो ऑब्वियसली पैरामैग्नेटिक ही होगा, ठीक है, तो वो पैरामैग्नेटिक ही होता है।
तो अब स्टैंडिंग मतलब अगर हम जो सॉल्यूशन है उसको थोड़ी देर तक ऐसे ही रख दें तो वो लाइब्रेट कर देगा हाइड्रोजन गैस, ठीक है, और फॉर्मेशन किसकी कर देगा, एमाइड की। अगर हम सॉल्यूशन को, एमोनिएटेड सॉल्यूशन को अगर हम ऐसे ही छोड़ दें तो वो हाइड्रोजन गैस अपने से लाइब्रेट कर देगा और क्या छोड़ेगा पीछे, एमाइड, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन सुन लो ध्यान से, एम प्लस प्लस ई माइनस प्लस एन एच थ्री गिव्स एम एन एच टू जो कि एमाइड है प्लस 1/2 H2 गैस के फॉर्म में निकल जाएगा, ठीक है। इन कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन द ब्लू कलर चेंजेस टू ब्रॉन्ज कलर एंड बिकम्स डायामैग्नेटिक। क्या इन कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में ब्लू कलर चेंजेस टू ब्रॉन्ज कलर, इनका जो डीप ब्लू कलर मैंने बताया वो ब्रॉन्ज कलर में चेंज हो जाता है और ये सॉल्यूशन पैरामैग्नेटिक से डायामैग्नेटिक बन जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे यूजेस की। लिथियम जो है वो बहुत सारे एलॉयज बनाने में यूज़ होता है विद लेड, ये बनाता है हमारे पास में वाइट मेटल, जब लेड के साथ, ये लेड यानी कि प्लम्बम, उसके साथ जब इसका एलॉय बनता है तो ये वाइट मेटल बनाता है। एलुमिनियम के साथ ये एयरक्राफ्ट पार्ट बनाता है, ठीक है, एयरक्राफ्ट ए से स्टार्ट होता है, एलुमिनियम भी ए से स्टार्ट होता है, ठीक है, एलुमिनियम के साथ बनाता है ये एयरक्राफ्ट पार्ट्स। विद मैग्नीशियम टू मेक आर्मर प्लेट्स, मैग्नीशियम के साथ ये क्या बनाता है, आर्मर प्लेट्स, आर्मर में एम आता है, ठीक है, मैग्नीशियम एम से स्टार्ट होता है, ठीक है, तो इनकी निमोनिक हम मतलब सम वॉट अ काइंड ऑफ निमोनिक हम बना देंगे, मैग्नीशियम के साथ ये बनाता है आर्मर प्लेट्स, ठीक है। अब ये हमारे पास में थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शंस में भी यूज़ होता है। लिथियम इज़ ऑल्सो यूज टू मेक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, अब इसकी इतनी ज़्यादा रिड्यूसिंग नेचर है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में भी यूज़ होगा। उसके बाद सोडियम इज़ यूज टू मेक NaPb एलॉय needed to make Pb ethyl 4 and Pb methyl 4. Pb कौन है, प्लम्बम, लेड, ठीक है, मतलब जब सोडियम जो है लेड के साथ अपना वो बनाता है एलॉय तो हमारे पास में लेड इथाइल 4 और लेड मिथाइल 4 बनते हैं, ठीक है, जो कि एंटी नॉक एडिटिव्स की तरह यूज़ होते हैं इन पेट्रोल, ठीक है। बट नाउ डेज व्हीकल्स यूज़ लेड फ्री पेट्रोल, अब तो मतलब इनका कुछ शायद यूज़ नहीं होगा इतना, ठीक है। उसके बाद में लिक्विड सोडियम मेटल इज़ यूज एज अ कूलेंट इन फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर्स, कौन, लिक्विड सोडियम इज़ यूज एज कूलेंट इन फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर्स, ठीक है। पोटेशियम की बात करें तो बायोलॉजिकल फ्लूड्स में तो ये यूज़ होता ही है, और KCl जो है पोटेशियम क्लोराइड हमारे पास में एक अच्छा फर्टिलाइज़र होता है, ठीक है, क्या होता है, फर्टिलाइज़र, और KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो हमारे पास में सॉफ्ट सोप बनाने में यूज़ होता है, ठीक है। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, ये एक्सीलेंट एब्जॉर्बेंट होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, किसका, इट इज़ ऑल्सो यूज एज एन एक्सीलेंट एब्जॉर्बर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। अब सीजियम जो है वो डिवाइस यूज इन डिवाइजिंग फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स। इंटरनल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ द एल्कली मेटल्स, कि सारे के सारे जो कंपाउंड्स हैं एल्कली मेटल्स के वो आयनिक होते हैं नेचर में, ठीक है, मैंने बोला था ना आयनिक होते हैं प्रीडोमिनेंटली, ठीक है। अब ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स की बात करेंगे, जब ये लोग एक्सेस ऑफ एयर के साथ कंबशन रिएक्शन करते हैं तो लिथियम जो है पहले जो मैंने बताया था मोनोऑक्साइड फॉर्म करता है और कुछ अमाउंट में ये पेरोक्साइड भी फॉर्म करता है। मोनोऑक्साइड क्या होता है इसका Li2O और पेरोक्साइड क्या होता है Li2O2, ठीक है। सोडियम जो है वो पेरोक्साइड भी फॉर्म करता है और सुपर ऑक्साइड भी फॉर्म करता है। पेरोक्साइड होता है इसका Na2O2 और सुपर ऑक्साइड होता है NaO2, और बाकी के जो तीन हैं पोटेशियम रुबिडियम और सीजियम वो तीनों फॉर्म करते हैं हमारे पास में सुपर ऑक्साइड MO2, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास में अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशंस प्योर कंपाउंड्स M2O, M2O2 एंड MO2 मे बी प्रिपेयर्ड, मतलब इन जो जैसे जिस अमाउंट की आपने एयर प्रोवाइड करनी है उसके हिसाब से हमारे पास में ऑक्साइड सुपर ऑक्साइड्स और जो बोलते हैं उसे सुपर ऑक्साइड और पेरोक्साइड भी हमारे पास में प्रिपेयर हो सकते हैं, ठीक है। अब क्या कहते हैं, जो सुपर ऑक्साइड्स की स्टेबिलिटी होती है वो डिपेंडेंट होती है लैटिस एनर्जी इफ़ेक्ट्स पे, मतलब नीचे जाते जाते इनकी स्टेबिलिटी जो है इंक्रीज़ करती है सुपर ऑक्साइड्स की, ठीक है।
और उसके बाद आ जाता है ऑक्साइड्स जो हैं इनके, वो इजीली हाइड्रोलाइज हो सकते हैं, हाइड्रोलाइज हो सकते हैं मतलब टूट सकते हैं वो इजीली, ठीक है। अब इनके रिएक्शंस मैं बता देती हूँ। M2O प्लस H2O, M2O यानी कि सबसे पहले हम बात कर रहे हैं उसकी मोनोऑक्साइड की, तो M2O प्लस H2O गिव्स 2M प्लस प्लस 2OH माइनस, ठीक है। M2O2 यानी कि पेरोक्साइड, M2O2 प्लस 2H2O गिव्स 2M प्लस प्लस 2OH माइनस प्लस H2O2। यहाँ पर जब हम मेटल पेरोक्साइड की जब हम हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो हमारे पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड एज अ बायो प्रोडक्ट निकल के आएगा, ये याद रखने वाली चीज़ है, ठीक है। जब हम सुपर ऑक्साइड्स की करवाएंगे हाइड्रोलिसिस तो हमारे पास में पेरोक्साइड प्लस O2 गैस निकल के आएगी, ठीक है। एक तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड, दूसरा O2 गैस और साथ में मेटल हाइड्रोक्साइड निकल के आएगा, ठीक है। उसके बाद ऑक्साइड्स और पेरोक्साइड्स जब इनके प्योर फॉर्म में होते हैं, कौन कौन ऑक्साइड्स और पेरोक्साइड्स जो इनके प्योर फॉर्म में होते हैं वो कलरलेस होते हैं। अब और जो सुपर ऑक्साइड्स होते हैं वो येलो या फिर ऑरेंज कलर के होते हैं। सुपर मतलब कि ऐसे अपने आप को राजा समझ रहा है तो उसका उसके सर पे येलो कलर का ताज होगा, है ना, तो इसलिए उसको हम दे देते हैं येलो और ऑरेंज कलर, ठीक है, ये याद रखने का तरीका है। ओके, नाउ सुपर ऑक्साइड्स आर ऑल्सो पैरा मैग्नेटिक। सुपर ऑक्साइड्स भी हमारे पास में पैरा मैग्नेटिक होते हैं। पैरा मैग्नेटिक पहले कहाँ पढ़ा था हमने, जो हमारा एमोनिएटेड सॉल्यूशन था जब हमारे एल्कली मेटल्स लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्ट कर रहे थे, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशी थी वो उसकी वजह से हमारा पैरामैग्नेटिज्म अराइज हो रहा था, ठीक है, याद है ना सबको। उसके बाद में सोडियम पेरोक्साइड इज़ वाइडली यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। सोडियम पेरोक्साइड को हम यूज़ करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नाउ एक क्वेश्चन है यहाँ पे एनसीईआरटी में, व्हाई इज़ KO2 पैरामैग्नेटिक। KO2 क्या बोलते हैं, KO2 क्या है, हमारे पास में सुपर ऑक्साइड है तो वो पैरामैग्नेटिक क्यों है, क्योंकि द सुपर ऑक्साइड O2 माइनस इज़ पैरामैग्नेटिक बिकॉज ऑफ वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन पाई स्टार 2p मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ी हुई है ना, उसमें जो पाई स्टार 2p ऑर्बिटल है वहाँ पे जाके इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। अब आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि मतलब किस में कौन से वाले कहाँ पर इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, तो अब आप क्या पूरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी लगाओगे और फिर देखोगे कहाँ पर पाया जाता है, इसलिए सीधे सीधे याद रख लो पाई स्टार 2p ऑर्बिटल में वहाँ पे इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, जिसकी वजह से ये पैरामैग्नेटिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो इनके हाइड्रोक्साइड्स बनते हैं एल्कली मेटल्स के, वो वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं और स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल बेसिस होते हैं, मतलब एल्कलाइन नेचर के होते हैं हाईली, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनके हेलाइड्स की। हेलाइड्स जो हैं वो एमएक्स की फॉर्म में होते हैं, एल्कली मेटल हेलाइड्स जो हैं वो एमएक्स की फॉर्म में होते हैं, एक्स जो है वहाँ पे हेलोजन आ जाता है, ठीक है। इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं ये, कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ, जब हम ऑक्साइड मतलब मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड या मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन करवाते हैं HX यानी कि हाइड्रोहेलिक एसिड से, एक्वस हाइड्रोहेलिक एसिड से जब हम इनके मेटल के ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड या कार्बोनेट का रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास क्या बन के आते हैं, एल्कली मेटल हैलाइड्स, ठीक है। वरना मेटल कहाँ से आएगा, मेटल ऑक्साइड मेटल हाइड्रोक्साइड और मेटल कार्बोनेट से ही उनका मेटल आ रहा है, ठीक है। कोई भी एक लेके हम HX के साथ एक्वस HX के साथ रिएक्शन करवा देते हैं जिससे हमारे पास में बनता है एल्कली मेटल हैलाइड, ठीक है। नाउ इनके पास ये जो रिएक्शन हम करवाते हैं इनका हैलाइड्स बनाने के लिए, ये हाईली एक्सोथर्मिक होता है, मतलब हाई नेगेटिव एंथैल्पीज होती हैं इनकी। नेगेटिव कब होती है, जब एनर्जी निकलती है, एनर्जी कब निकलती है, जब वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, ठीक है। पर इनकी जो नेगेटिवनेस होती है, मतलब लेस नेगेटिविटी, मतलब ये जो है एंथैल्पीज लेस नेगेटिव होती जाती हैं नीचे जाते हुए, ठीक है। तो इनका ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसका होगा, MF, then MCl, then MBr, then MI, ठीक है। और यही ऑर्डर है इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स का भी, MF, MCl, MBr, MI, MF में सबसे ज़्यादा, ठीक है।
Now, all these halides are soluble in water. सबके सब जो हैं वो soluble होते हैं water में. पर LIF उसकी solubility बहुत कम होती है water में, क्योंकि उसकी high lattice enthalpy होती है. उसके bonds तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी solubility भी बहुत कम हो जाती है water के अंदर. ठीक है. और दूसरी तरफ low solubility of CSI मतलब सीजियम आयोडाइड क्यों होती है उसकी? उसकी भी लो सॉल्युबिलिटी होती है. क्यों? क्योंकि उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत कम होती है. मैंने बताया था ना, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होगा, मतलब बहुत बड़ा, हाँ यहाँ पे तो मॉलिक्यूल ही है, वहाँ पे एटम था. बहुत बड़ा अगर मॉलिक्यूल या एटम होगा तो उनकी हाइड्रेशन एंथैल्पी कम होगी. ठीक है. उसके बाद अदर हैलाइड्स ऑफ लिथियम आर सॉल्युबल इन इथेनॉल, एसीटोन, इथाइल एसीटेट एक्सेट्रा. ठीक है. मैंने क्योंकि बताया था लिथियम जो है हमारे पास में छोटू सा होता है, तो वो कोवेलेंट कंपाउंड ज़्यादा बनाता है. ठीक है. इसीलिए उसके कोवेलेंट कंपाउंड्स जो है वो नॉन पोलर क्या बोलते हैं सॉल्यूशंस में ज़्यादा जल्दी मिक्स हो जाते हैं. ठीक है. जैसे आ गया हमारे पास में ये इथेनॉल, एसीटोन और इथाइल एसीटेट. ओके. नाउ LiCl इज सॉल्यूबल इन पायरीडीन ऑल्सो. पायरीडीन हमें पता ही है क्या होता है, उसके अंदर ये सॉल्यूबल होता है LiCl. ठीक है. वो भी एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ही है. नाउ ऑक्साइड्स की मतलब ऑक्सो एसिड्स की बात करें, सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स की बात करें, तो हमारे पास में ऑक्सो एसिड्स होते क्या हैं, जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे एक एसिडिक प्रोटॉन लगा होता है और उसी के साथ में अटैच्ड होता है एक ऑक्सो ग्रुप. ठीक है. उसके बाद आ जाते हैं हम, इसकी एग्जांपल आ जाएगी कार्बोनिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, वगैरह वगैरह. ठीक है. नाउ द एल्कली मेटल्स फॉर्म साल्ट्स इन ऑल द ऑक्सो एसिड्स. जो एल्कली मेटल्स हैं वो सबके सब ऑक्सो एसिड्स के साथ सॉल्ट फॉर्म कर सकते हैं. ओके. ये जर्नली सॉल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर और ये लोग थर्मली स्टेबल होते हैं. जर्नली सॉल्यूबल वाटर के अंदर और थर्मली स्टेबल, मतलब मैक्सिमम चीज़ें इसके सॉल्यूबल हैं वाटर के अंदर. ठीक है. उसके बाद हाइड्रोजन और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स और नॉर्मल कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स जो हैं, आई एम सॉरी, उसके वो जो होते हैं वो हाईली स्टेबल होते हैं टूवर्ड्स हीट. ठीक है. कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स जो हैं वो हाईली स्टेबल होते हैं टूवर्ड्स हीट. ओके. इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप, जो इनकी स्टेबिलिटी होती है वो नीचे जाते हुए इंक्रीज होती है ड्यू टू इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऑफ मेटल्स. मेटल की पॉजिटिविटी इंक्रीज, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज करती जाती है और इनकी स्टेबिलिटी टूवर्ड्स हीट इंक्रीज करती जाती है. ठीक है. लिथियम कार्बोनेट जो है वो इतना स्टेबल नहीं होता. लिथियम के कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स जो हैं वो बहुत कम स्टेबल होते हैं. ठीक है. मतलब इतने स्टेबल होते ही नहीं है टूवर्ड्स हीट वो. ठीक है. लिथियम बींग वेरी स्मॉल इन साइज पोलराइजेज अ लार्ज CO3 टू माइनस आयन leading to the formation of more stable Li2O. Li2O is का मोनोऑक्साइड मैंने बताया था and CO2. मतलब ये मतलब छोटा होता है ना, तो पोलराइजिंग पावर इसकी बहुत ज़्यादा होती है. इसकी वजह से ये क्या करता है, CO3 टू माइनस आयन को पोलराइज करता है, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ मोनोऑक्साइड, लिथियम मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि ज़्यादा स्टेबल होते हैं इसके लिथियम कार्बोनेट से, वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं जो टूटे हुए हैं. ठीक है. इट्स हाइड्रोजन कार्बोनेट डज नॉट एग्जिस्ट एज सॉलिड. इसका हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉलिड की तरह एग्जिस्ट करता ही नहीं है. अब हम बात करेंगे इसके एनोमलस प्रॉपर्टीज़ के बारे में. किसकी? लिथियम की एनोमलस प्रॉपर्टीज़ के बारे में. सबसे पहले तो इसका स्मॉल साइज है सबसे ज़्यादा अपने ग्रुप में. ठीक है. और इसकी हाई पोलराइजिंग पावर है, उसी की वजह से चार्ज अपॉन रेडियस रेशियो होती है हमारे पास में, पोलराइजिंग पावर वो इसकी हाई है. ठीक है. देयर इज़ इंक्रीज्ड कोवेलेंट करेक्टर ऑफ लिथियम कंपाउंड्स. जैसे मैंने बताया था कि लिथियम कंपाउंड्स जो हैं वो फजांस रूल के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, उनमें कोवेलेंट करेक्टर बहुत ज़्यादा आ जाता है. ठीक है. आयनिक नहीं होते वो इतने ज़्यादा. उसके बाद उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, लिथियम कंपाउंड्स की सॉल्युबिलिटी इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स ज़्यादा होती है. ठीक है. और इसका ये जो है लिथियम शोज डायगनल रिलेशनशिप टू मैग्नीशियम, जैसे मैंने पहले समझाया था. ठीक है. और क्यों था इनका डायगनल रिलेशनशिप? सेम रीज़न था, स्मॉल साइज और हाई पोलराइजिंग पावर. अब आते हैं हम इसके पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन लिथियम एंड अदर एल्कली मेटल्स. सबसे पहली बात, लिथियम जो है वो बहुत ज़्यादा हार्डर होता है, बहुत हार्ड होता है, बहुत हार्ड. ठीक है. लिथियम इज़ मच हार्डर और इसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट्स हायर होते हैं बाकी सबसे. ठीक है. ये बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं,
हार्डर होता है और इसके जो मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स है ये बाकी सबसे बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, और ये लीस्ट रिएक्टिव होता है बट स्टिल ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है अमंग ऑल. ओके, ऑन कम्बशन इन एयर इट फॉर्म्स मेनली मोनोक्साइड. मोनोक्साइड तो बनाता ही है, और मैंने पहले बताया था ना कि ये नाइट्राइड भी बनाता है, लिथियम नाइट्राइड, वो भी ये बनाता है जो कि बाकी के एल्कली मेटल्स नहीं बनाते हैं. ठीक है, LiCl इज डेलिक्यूसेंट, मतलब डीलिक्यूसेंट. डीलिक्विसेंट मतलब कि ये एटमॉस्फेयर में से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर देता है. अब जब मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है तो मैंने बताया था कि ये हाइड्रेट्स की फॉर्मेशन करता है, तो वैसे ही LiCl की बात हो रही है यहाँ पे. ठीक है, लिथियम क्लोराइड की बात हो रही है, वो डीलिक्विसेंट होता है, मतलब एटमॉस्फेयर में से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है और अपने आप को हाइड्रेट फॉर्म में रख लेता है. ठीक है, मतलब LiCl.2H2O बना लेता है, जबकि बाकी के जो एलिमेंट्स हैं एल्कली मेटल्स वो ऐसा काम नहीं करते, वो हाइड्रेट्स फॉर्मेशन नहीं करते, मैंने पहले ही बताया था. ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के ऊपर. अब मैंने अभी अभी बताया कि लिथियम बाइकार्बोनेट जो है वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, जबकि बाकी के सब के बाइकार्बोनेट्स जो हैं वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है, लिथियम अनलाइक अदर एल्कली मेटल्स फॉर्म नो इथाइनाइड ऑन रिएक्शन विद इथाइन. लिथियम जब इथाइन के साथ रिएक्ट करता है तो वो इथाइनाइड की फॉर्मेशन नहीं करता, जबकि बाकी सब करते हैं. ठीक है, लिथियम नाइट्रेट व्हेन हीटेड गिव्स लिथियम ऑक्साइड. लिथियम नाइट्रेट जब उसको हम हीट करते हैं तो वो लिथियम ऑक्साइड दे देता है, वही अपना मोनोऑक्साइड दे देता है Li2O. ठीक है, वेयर एज अदर एल्कली मेटल्स मेटल नाइट्रेट्स डिकम्पोज टू गिव द कॉरस्पॉन्डिंग नाइट्राइट. ठीक है, इसकी हम रिएक्शन देखते हैं फिर समझ आएगा. जैसे लिथियम का टूटा, लिथियम का नाइट्रेट टूटा, LiNO3 गिव्स 2 Li2O. Li2O क्या था, उसका ऑक्साइड जो हमने पढ़ा अभी अभी, और 4 NO2 के मॉलिक्यूल्स भी दे देगा वो. NO2 क्या होता है, क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. ठीक है, और साथ में ऑक्सीजन गैस भी रिलीज़ करेगा वो. ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस रिलीज़ हुई और साथ में उसका लिथियम का ऑक्साइड रिलीज़ हुआ. जबकि अगर हमने NaNO3 को तोड़ा तो हमारे पास क्या बना, NaNO2+O2. यहाँ पे हमारे पास उसका वो भी नहीं बना, नाइट्रोजन गैस भी नहीं बनी. ठीक है, और ऊपर से सोडियम नाइट्राइट बन गया. ठीक है, NaNO2 बन गया. ओके, नाउ LiF एंड Li2O आर कंपैरेटिवली मच लेस सॉल्युबल इन वाटर. LiF और Li2O, Li2O कौन था, उसका ऑक्साइड, और LiF के बारे में तो हमने पहले ही पढ़ लिया कि वो जो है लेस सोल्यूबल होते हैं इन वाटर देन द कॉरस्पॉन्डिंग कंपाउंड्स ऑफ अदर एल्कली मेटल्स. नाउ पॉइंट्स ऑफ सिमिलैरिटीज़ बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम की बात करते हैं. ठीक है, सबसे पहले तो सिमिलैरिटीज़ वही डायगनल रिलेशनशिप की बात हो रही है, तो कैसे आएंगी सिमिलैरिटीज़ इसमें, क्योंकि इनका साइज़ सिमिलर है, पोलराइजिंग पावर वगैरह सब सिमिलर है, वैसे वैसे. ठीक है, नाउ अब सिमिलैरिटीज़, मेन सिमिलैरिटीज़ की बात करते हैं. लिथियम एंड मैग्नीशियम बोथ आर हार्डर एंड लाइटर. मतलब बाहर से तो बड़े कड़क हैं, हार्डर हैं, पर अंदर से हल्के ही हैं. मतलब वही ना, ऐसे बहुत ज़्यादा खाता है, बहुत ज़्यादा मोटा हुआ फिर रहा है, ऐसे लग रहा है कि बड़ा मतलब दमदार होगा पर अंदर हवा ही भरी है. ठीक है, तो लाइटर होते हैं, मतलब ऐसे याद करने के लिए जस्ट, मतलब ऐसे किसी को मजाक नहीं उड़ा रही मैं, कोई ऑफेंड मत हो जाना. ठीक है, उसके बाद लिथियम एंड मैग्नीशियम रिएक्ट स्लोली विद वाटर. वो वाटर के साथ बहुत धीरे धीरे रिएक्ट करते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था कि लिथियम वाइग्रसली रिएक्ट नहीं करता वाटर के साथ. ओके, देयर ऑक्साइड्स, मतलब रिलेट करके पढ़ो, तुम अपने पिछले पेजेस के साथ रिलेट करके पढ़ो, तुम्हें बहुत अच्छे से याद हो जाएगा. ठीक है, रिएक्ट स्लोली विद वाटर, देयर ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स आर मच लेस सॉल्युबल. ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स जो हैं वो बहुत कम सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर, एंड देयर हाइड्रोक्साइड्स डिकम्पोज ऑन हीटिंग, और उनके हाइड्रोक्साइड्स टूट भी जाते हैं हीटिंग करने से. ठीक है, अब क्या था इसका पॉइंट, रिएक्ट स्लोली विद वाटर, हाइड्रोक्साइड्स और ऑक्साइड्स लेस सॉल्युबल इन वाटर, एंड देयर हाइड्रोक्साइड्स डिकम्पोज ऑन हीटिंग. अब लिथियम और मैग्नीशियम दोनों नाइट्राइड की फॉर्मेशन करते हैं व्हेन दे रिएक्ट विद नाइट्रोजन, और डायरेक्टली नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके वो नाइट्राइड की फॉर्मेशन कर सकते हैं. लिथियम बनाता है Li3N और मैग्नीशियम बनाता है Mg3N2. ठीक है, अब ऑक्साइड्स ऑफ द ऑक्साइड्स लिथियम मतलब Li2O एंड MgO डू नॉट कम्बाइन विद एक्सेस ऑक्सीजन टू गिव एनी सुपर ऑक्साइड. हाँ,
ये लोग सुपर ऑक्साइड नहीं देते, क्योंकि सुपर ऑक्साइड का मैंने क्या बताया था कि वो लार्ज साइज़ के कैटायन के साथ स्टेबल होता है, इनके साथ नहीं होता, ठीक है। द कार्बोनेट्स ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम डिकम्पोज ईजिली ऑन हीटिंग। कार्बोनेट्स लिथियम और मैग्नीशियम के डिकम्पोज कर जाते हैं बहुत जल्दी, ठीक है, टू फॉर्म क्या, ऑक्साइड्स एंड CO2, ठीक है, CO2 बनाते हैं और अपने ऑक्साइड्स बनाते हैं, ठीक है। सॉलिड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स आर नॉट फॉर्म्ड बाय लिथियम एंड मैग्नीशियम। हाँ यार, कितनी बार आ गई ये लाइन, सॉलिड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स नहीं बनते लिथियम के, तो साथ में ही उसके Mg भी है, उसके साथ अगर सिमिलैरिटी शो कर रहा है तो उसके भी नहीं बनेंगे ऑब्वियसली, ठीक है। बोथ LiCl की बात पहले भी हुई थी ना, पता नहीं किस बात के बारे में हुई थी, मैं भूल गई, अच्छा सुनो। बोथ LiCl एंड MgCl2 आर सोलूबल इन इथेनॉल। LiCl और MgCl2 दोनों के दोनों सोलूबल हैं इथेनॉल में, ठीक है। इथेनॉल क्या है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक है। बोथ LiCl एंड MgCl2 आर डी लिक्विसेंट क्या बताया था कि एटमॉस्फेयर में से मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है तो हाइड्रेट्स की फॉर्मेशन करता है, तो मतलब इनके पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की बात होने वाली है। तो एग्जाम्पल इसकी आ गई LiCl.2H2O और MgCl2.8H2O, LiCl.2H2O, MgCl2.8H2O, ठीक है। अब हम बात करेंगे सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ सोडियम की, ओके। अब इंडस्ट्रियली इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ सोडियम इंक्लूड सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। हम इन चारों की बातें करेंगे बारी बारी, ठीक है। सबसे पहले आता है सोडियम कार्बोनेट, जिसको हम वॉशिंग सोडा भी कहते हैं, जिसका फॉर्मूला है Na2CO3.10H2O, ठीक है। इसको हम जनरली प्रिपेयर करते हैं किस प्रोसेस से, सॉल्वे प्रोसेस से। जनरली हम इसको प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ सॉल्वे प्रोसेस। इस प्रोसेस के अंदर मैं बता दूँ रॉ मटेरियल्स क्या क्या यूज़ होते हैं, NaCl, NH3, H2O, CaCO3। CaCO3 के जो मतलब उसको जब हम तोड़ते हैं CaCO3 को, तो क्या क्या बनता है, CaO और CO2। तो ये दोनों जो हैं यूज़ होते हैं एज अ रॉ मटेरियल इन दिस प्रोसेस, ठीक है। कौन, CaO और CO2। अब इसके केमिकल रिएक्शंस पे आते हैं। NH3 प्लस H2O, NH3 को जब हम H2O के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या बन के आता है, NH4OH, क्या, NH4OH, ठीक है। उसके बाद जब हम CO2 को H2O के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, ये हम सबको पता है, H2CO3, ठीक है, जो कि एक एसिड है। NH4OH क्या था, एक बेस, ठीक है। अब NaCl जो हमने रॉ मटेरियल्स लिए थे, मैं उन सबको H2O के साथ करवा रही हूँ रिएक्शन, ठीक है। NaCl प्लस H2O हमारे पास बनाएगा NaCl एक्वस, NaCl को हम सबको पता है कि क्या कहते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन। ये होता है 30% NaCl सॉल्यूशन, जिसको हम कहते हैं ब्राइन सॉल्यूशन, ठीक है। NaCl हमारे पास में क्या है, सॉल्ट। सबसे पहले बना हमारे पास में NH4OH, जो है एक बेस। देन हमारे पास में बना H2CO3, जो था एक एसिड। उसके बाद में हमारे पास में बना NaCl एक्वस, जो है हमारे पास में एक सॉल्ट। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास एसिड और बेस बने उन दोनों को रिएक्ट करवाएंगे, ठीक है। NH4OH प्लस H2CO3 गिव्स NH4HCO3 प्लस H2O। क्या बना यहाँ पे, NH4OH प्लस H2CO3 गिव्स NH4HCO3 प्लस H2O, ठीक है। NH4OH जहाँ एक स्ट्रॉन्ग बेस है, वहीं H2CO3 एक वीक एसिड है, ठीक है। तो ये क्या बना देंगे, NH4HCO3 बनाएंगे, ओके। नाउ अब ये जो NH4HCO3 है, ये जाकर रिएक्ट करेगा NaCl से और क्या बना देगा, NaHCO3, क्या बनाएगा, NaHCO3, ठीक है। अब जो ये NaHCO3 है, ये स्पेरिंगली सॉल्युबल है वाटर के अंदर, मतलब बहुत कम सॉल्युबल है ये वाटर के अंदर, इसीलिए ये प्रेसिपिटेट की फॉर्म में नीचे बैठ जाएगा, ठीक है। तो उसकी वजह से ये हमारे पास में सेपरेट हो जाएगा। ये था क्या, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, और इसी रिएक्शन में साथ में बाय प्रोडक्ट की तरह बनता है NH4Cl, दोबारा बन जाता है NH4Cl, ठीक है। नाउ NH4CO3 जो हमारे पास NH4CO3 नहीं NaHCO3 जो हमारे पास में बना,
जो उससे स्पेरिंग सॉल्युबल था और प्रेसिपिटेट की फॉर्म में बैठ गया था नीचे, उसको हम हीट करते हैं. क्या करते हैं? हीट करते हैं. और क्या बनता है हमारे पास में? Na2CO3, जो हमें चाहिए था, Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2. ठीक है. अब क्या होता है, इन दिस प्रोसेस NH3 इज़ रिकवर्ड. अब आगे जो हम प्रोसेस करवाने वाले हैं उसमें NH3 रिकवर हो जाएगा. NH3 दोबारा हमारे पास वापस आ जाएगा जब वो क्या कहते हैं सॉल्यूशन कंटेनिंग NH4Cl के साथ रिएक्ट करेगा विद CaOH2. CaOH2 क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ओके. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कैल्शियम क्लोराइड इज़ ऑब्टेंड एज अ बाई प्रोडक्ट इन दिस रिएक्शन. अब मैं रिएक्शन बताती हूँ आपको, क्या है, सारी क्लियरिटीज़ हो जाएंगे फिर. ठीक है. 2NH4Cl plus CaOH2 gives 2NH3 plus CaCl2 plus H2O. Kya? 2NH4Cl plus CaOH2 gives 2NH3 plus CaCl2 plus H2O. CaCl2 as byproduct बना है यहाँ पे और NH3 recover हो गया है product में. ठीक है. अब ये जो सॉल्वे प्रोसेस है ना, ये मतलब हम सोडियम तक तो यूज़ कर सकते हैं, पर आगे हम पोटेशियम कार्बोनेट के मैन्युफैक्चर में यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब इतना कम सॉल्युबल नहीं होता है, मतलब कि वो प्रेसिपिटेट नहीं होता है. ठीक है. इसकी वजह से हम इसको वहाँ पे ये सेपरेट नहीं होगा. जैसे NaHCO3 सेपरेट हो गया तो उसको हमने हीट किया Na2CO3 बनाने के लिए, पर सोडियम हाइड्रोजन पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है, पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो सॉल्युबल होता है उसमें, मतलब इतना कम सॉल्युबल नहीं होता कि प्रेसिपिटेट ही बना दे. ठीक है. अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं. सोडियम कार्बोनेट इज़ अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड. Na2CO3 इज़ अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड विच एग्जिस्ट एज अ डेकाहाइड्रेट. डेकाहाइड्रेट यानी कि जो पहले हमने फॉर्मूला पढ़ा Na2CO3.10H2O, उसकी फॉर्म में ये रहता है. ठीक है. जिसको हम क्या कहते हैं? वॉशिंग सोडा. इट इज़ रेडिली सॉल्युबल इन वाटर. रेडिली सॉल्युबल होता है वाटर में. ठीक है. ऑन हीटिंग टू फॉर्म ऑन हीटिंग द डेकाहाइड्रेट लूजेज इट्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. जब देखो, मेरी बात सुनो, अब मैं थोड़ी होश में आ गई हूँ और मेरी बात सुनो अच्छी तरह से. जो हमारे पास में डेकाहाइड्रेट है, ठीक है, वो हमारे पास जब हम उसको हीट करेंगे तो वो मोनोहाइड्रेट देगा. ठीक है. इसमें कन्फ्यूजन होती है बहुत बच्चों को, इसलिए प्लीज़ ध्यान से सुनना. जो डेकाहाइड्रेट है वो उसको हम 373 केल्विन पे हीट 375 केल्विन या 373 आसपास हीट करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा मोनोहाइड्रेट Na2CO3.1H2O. ठीक है. और ओके. सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट NaCl, सोडियम क्लोराइड. ठीक है. जो हमारा टेबल सॉल्ट भी होता है. ठीक है. तो सोडियम क्लोराइड जो है सी वाटर में 2.7 to 2.9% बाय मास ऑफ द सॉल्ट पाया जाता है. ठीक है. क्रूड सोडियम क्लोराइड जनरली ऑब्टेंड बाय क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन. अच्छा, जो क्रूड सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड होता है वो हमारे पास कैसे मिलता है? जब हम ब्राइन सॉल्यूशन की क्रिस्टलाइजेशन करवाते हैं, पर उसके अंदर तब सोडियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड होते हैं एज इम्प्योरिटीज़. ठीक है. इसीलिए इनको जो कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड, इसके अंदर इम्प्योरिटीज़ की तरह इसीलिए होते हैं क्योंकि वो डी लिक्विसेंट होते हैं, और डी लिक्विसेंट का मतलब मैंने आपको बहुत बार बता दिया कि हाइड्रेट्स के फॉर्म में रह सकते हैं. ठीक है. टू ऑब्टेन प्योर सोडियम क्लोराइड, प्योर सोडियम क्लोराइड को ऑब्टेन मतलब पाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? क्रूड सॉल्ट को पहले हम डिसॉल्व करते हैं मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर में, उसके बाद उसको फिल्टर करते हैं टू रिमूव इनसॉल्युबल क्या इम्प्योरिटीज़ क्या हैं इसकी, इनसॉल्युबल हैं. ठीक है. टू रिमूव इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़. द सॉल्यूशन इज़ देन सैचुरेटेड विद हाइड्रोजन क्लोराइड HCl गैस. ठीक है. उसके बाद हम सॉल्यूशन को सैचुरेट करते हैं HCl गैस के अंदर, मतलब HCl गैस के साथ. ठीक है. उसके बाद क्रिस्टल्स ऑफ प्योर सोडियम क्लोराइड सेपरेट आउट. जो प्योर सोडियम क्लोराइड है, उसके बाद हमें ऑब्वियसली हमें प्योर सोडियम क्लोराइड ही चाहिए था, तभी हम ये मतलब इतना तामझाम कर रहे थे. तो हमें अब वो मिल जाएंगे उसके क्रिस्टल्स. ठीक है. सेपरेट हो जाएंगे वो उससे. और मैग्नीशियम और कैल्शियम क्लोराइड जो हैं वो बीइंग मोर सॉल्युबल देन सोडियम क्लोराइड वहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर ही रहेंगे.
अब यहाँ पे क्या हुआ क्या, NaCl जो है वो प्रेसिटेट की फॉर्म में बाहर आ गया, इसलिए वो सेपरेट आउट हो गया। पर जो बाकी के दोनों थे, जो इनकी इम्प्योरिटीज़ थी, वो सॉल्यूशन के अंदर ही रही क्योंकि वो सॉल्यूबल थी। ठीक है, सोडियम क्लोराइड मेल्ट्स एट 1081 केल्विन। अब जो NaCl है उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, 1081 केल्विन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इट हैज़ अ सॉल्युबिलिटी ऑफ 36 ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। इट हैज़ अ सॉल्युबिलिटी ऑफ 36 ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 273, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पे, 273 केल्विन। ओके, द सॉल्युबिलिटी डज नॉट इंक्रीज अप्रिशिएबली विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो इसकी सॉल्युबिलिटी इतने अच्छे से इंक्रीज नहीं करती है। ठीक है, अब आगे हम यूज़ के ऊपर, इट इज़ यूज एज अ कॉमन सॉल्ट और टेबल सॉल्ट, मैंने पहले ही बताया। उसके बाद इट इज़ यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ Na2O2। Na2O2 क्या था, सोडियम पेरोक्साइड। फिर उसके बाद NaOH और तीसरा Na2CO3। ठीक है, अब हम बात करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि कास्टिक सोडा, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है NaOH। ठीक है, इसकी कमर्शियल प्रिपरेशन हम कैसे करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड इन कास्टनर केलनर सेल। और ये याद होना चाहिए, हम क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड क्या होता है, ब्राइन सॉल्यूशन, उसकी हम करवाते हैं इलेक्ट्रोलिसिस विद मर्करी एज कैथोड एंड कार्बन एज एनोड। क्या, मर्करी जो है उसको कैथोड की तरह रखते हैं, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, और कार्बन को हम एनोड बना देते हैं, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, और वो सेल कौन सा होता है, कास्टनर केलनर सेल, जिसमें फॉर्मेशन किसकी होती है, कास्टिक सोडा की, कास्टनर से याद रख सकते हो कि कास्टिक सोडा है। ठीक है, उसके बाद सोडियम मेटल जो है डिस्चार्ज होता है कैथोड पे। ठीक है, जहाँ पे ये मर्करी के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है, सोडियम अमैलगम। ठीक है, मर्करी के साथ अगर कुछ भी रिएक्ट करे तो ऑब्वियसली वो अमैलगम जैसा बना, अमैलगम उसका नाम हो जाता है, तो ये वहाँ पे जाके बना देता है सोडियम अमैलगम। क्लोरीन जो है वो एनोड पे इवॉल्व हो जाते हैं क्लोरीन गैस की फॉर्म में। ठीक है, अब इसके रिएक्शंस मैं बता दूँ, Na+ कैथोड पे क्या हो रहा है, Na+ इलेक्ट्रॉन गिव्स Na अमैलगम। Na अमैलगम क्यों, क्योंकि वो Hg के साथ रिएक्ट कर गया, Hg कौन है, अपना मर्करी। ठीक है, अब एनोड पे क्या हो रहा है, Cl- जाके अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीडेशन होनी है, और Cl2 की तरह बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब द अमैलगम इज ट्रीटेड विद वाटर टू गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड डाई एंड हाइड्रोजन गैस। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकालने के लिए जो क्या बोलते हैं, सोडियम अमैलगम था, उसको हम वाटर के साथ ट्रीट करवाते हैं। अब इसका रिएक्शन, 2 Na अमैलगम प्लस 2 H2O गिव्स 2 NaOH प्लस 2 Hg प्लस H2। 2 Hg भी निकलेगा, मतलब मर्करी भी निकल जाएगा। ठीक है, और कास्टिक सोडा भी हमारे पास में निकल जाएगा। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ वाइट ट्रांसलूसेंट सॉलिड, वाइट होता है और ट्रांसलूसेंट सॉलिड होता है, कौन, कास्टिक सोडा। इट मेल्ट्स एट 591 केल्विन। इट इज़ रेडिली सॉल्युबल इन वाटर, मतलब रेडिली सॉल्युबल इन वाटर, मतलब कि अच्छे से सॉल्युबल हो जाता है, मिक्सअप हो जाता है, टू गिव अ स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन सॉल्यूशन। क्या देता है ये, स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन सॉल्यूशन, NaOH इज हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या देगा हमारे पास में, जो हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में बात की थी कि एल्कलाइन सॉल्यूशन देता है, स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन सॉल्यूशन। ठीक है, क्रिस्टल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड आर डी लिक्विसेंट, ये भी डी लिक्विसेंट होते हैं, मतलब अपना वो वाटर रिएक्ट, वाटर के साथ हाइड्रेट फॉर्म कर देते हैं। ठीक है, द सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एट द सरफेस रिएक्ट्स विद CO2 इन द एटमॉस्फेयर टू फॉर्म Na2CO3। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, बहुत भी नहीं पर इम्पॉर्टेंट लाइन, द सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एट द सर्फेस रिएक्ट्स विद CO2 इन द एटमोसफेयर टू फॉर्म Na2CO3। ठीक है, अब हम बात करेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा की, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है NaHCO3। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है उसको हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं। उसके बाद ये क्या करता है, हीट, जब हम इसको हीट करते हैं तो ये डीकम्पोज हो जाता है और हमारे पास में कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है, जो
मतलब जो वहाँ से जो हमारी चीज़ होती है, जो हमारा खाना होता है, उसके अंदर से इवॉल्व कर जाती है और बहुत बड़े बड़े से बबल्स बना देती है, जिन बबल्स की वजह से हमारे खाने में फ्लफी अपेयरेंस आती है। ठीक है, जैसे हम केक्स वगैरह में यूज़ करते हैं ना बेकिंग सोडा को, वैसे फिर मतलब उनकी जो फ्लफी अपेयरेंस होती है वो इस वजह से होती है। उसके बाद सेचूरेटिंग अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट विद कार्बन डाइऑक्साइड, उसकी वजह से हमारे पास क्या बनता है, हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या करके? सेचूरेटिंग अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट विद कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और लेस सॉल्यूबल होता है जिसकी वजह से सेपरेट आउट हो जाता है। इतनी देर से हम वही पढ़ रहे थे कि प्रेसिपिटेट बनते हैं और वो लोग सेपरेट आउट हो जाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज़ अ माइल्ड एंटीसेप्टिक फॉर स्किन इन्फेक्शंस। अब इसको मुंह पे कोई मत लगाने जाना, मतलब लगा भी सकते हैं आई थिंक, मतलब मैंने कभी ट्राई तो किया नहीं, मतलब ठीक है ना, तुम लगा के देख लेना, फिर कमेंट्स में मुझे बता देना। ठीक है, इट इज़ यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स आल्सो। अब उसके बाद लास्ट इस ग्रुप का टॉपिक आ गया बायोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस, बायोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। इसमें बस एक ही लाइन इंपॉर्टेंट है, बाकी सब फालतू है जो हमने बायो में पढ़ रखा है। ठीक है, और मुझे नहीं लगता है इधर से कोई भी क्वेश्चन आएगा, और ना ही मैंने अभी तक इधर से कोई क्वेश्चन देखा, बस एक देखा जो मैं बता रही हूँ। सबसे ज़्यादा पोटेशियम की वो होती है हमारे मतलब अबंडेंस होती है हमारी बॉडी में, देन Na की, देन Fe की, देन Cu की, KNaFeCu, दैट्स इट। ओके, थैंक यू, सो मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक आवर वीडियो एंड ऑल दैट। ओके, सो दिस वॉज माई फर्स्ट वीडियो ऑन दिस चैनल, कीप सपोर्टिंग अस, प्लीज़ डू लाइक इफ़ यू लाइक द कंटेंट एंड ऑल दैट एंड टीचिंग स्टाइल। मतलब पढ़ाया तो मैंने है नहीं, बट स्टिल मतलब जो भी मैंने किया, अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी। ओके, थैंक यू।